हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष सर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाते रहूँगा। ठीक है, तो उस हिसाब से, और ये जितने भी टेक्स्ट बुक, जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ वो सेट पब्लिकेशंस की बुक से है। तो अगर आपके पास सेट पब्लिकेशन की बुक है तो आपके लिए बेटर होगा। अगर नहीं भी है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, जो बाजू में मैंने जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा आप उसकी स्क्रीन शॉट भी मार सकते हो, तो आपके पास क्वेश्चन प्रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, और सोल्यूशन हम लोग आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई का पहला सम कह रहा है डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज इन द फॉलोइंग केसेस, यानी कुछ केसेस दिए हैं और उस केसेस के हिसाब से हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर नागोरी विथ रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन नासिक एंड हैविंग अदर फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट एट सूरत जोधपुर इंदौर एंटर्स इनटू द एग्रीमेंट विथ मिस्टर नुपुर इन नासिक फॉर प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन फॉर हिज ऑफिसेस। द सर्विसेज आर रिसीव्ड इन नासिक एंड देन द सेम यूटिलाइज्ड बाय ऑल द अदर ऑफिसेस। व्हाट वुड योर आंसर बी इन द अबाउट केस इफ मिस्टर नागोरी एंटर्स इनटू द एग्रीमेंट पर सॉरी एट जोधपुर फॉर रिसीविंग प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस एट जोधपुर। एंड सेकेंड कंडीशन दिया, वॉट वुड बी आंसर इन केस एग्रीमेंट थ्रू एग्रीमेंट एंटर टू द नासिक बट सर्विसेज रिसीव्ड इन सूरत। ठीक है, तो अब इसके आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखते हैं, ठीक है, कि हमको किस तरीके से सम सॉल्व करना है। अब आपको यहाँ पर आंसर प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले याद रखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन है, यानी भैया जो सप्लायर है उसका लोकेशन क्या है, सबसे पहले आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज माय प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा है, चार पांच सेक्शंस हम लोग ने पढ़े हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए से लेके सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई तक हमने पढ़ाई की है। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कशन करने वाली बात आ जाती है कि सबसे पहला बोला है मिस्टर नागोरी विद द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन नासिक, यानी मिस्टर नागोरी यहाँ पर कौन है, रजिस्टर्ड एड्रेस लेकर बैठा है, रजिस्टर्ड डीलर है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि मिस्टर नागोरी का लोकेशन, बेटा मिस्टर नागोरी का लोकेशन है नासिक। ठीक है, एंड इसके तीन और एस्टैब्लिशमेंट्स है, इसके तीन और एस्टैब्लिशमेंट क्या है, नासिक है, सूरत है, जोधपुर है एंड इंदौर है। तो आपको ये चार लोकेशंस दिए हैं। हमको क्या देखना है कि पहली कंडीशंस में क्या बोलता है, व्हाट वुड बी योर आंसर इन द अबव केस इफ मिस्टर नागोरी एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट फॉर जोधपुर फॉर रिसीविंग प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन एट जोधपुर, यानी जोधपुर के लिए अगर जान देखना है तो उसकी एस्टैब्लिशमेंट्स किस तरीके की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझने की बात क्या है कि भैया लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां पर है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर एक ही सेंटेंस बोला है कि सर्विसेज आर रिसीव्ड इन नासिक देन सेम इज यूटिलाइज्ड बाय अदर, यानी तीन कंडीशन दी है। सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, उसके बाद सेकेंड एंड फिर थर्ड। पहले फर्स्ट सेकंड फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन, द सर्विसेज आर रिसीव्ड इन नासिक, लोकेशन ऑफ सप्लायर मिस्टर नागोरी भी नासिक का है। ठीक है, और ये नासिक आता कहां बेटा, महाराष्ट्र में आता है, कहां आता है, महाराष्ट्र में आ रहा है। क्लियर, अब ये भाई साहब ने प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन भी, द सर्विसेज आर रिसीव्ड इन नासिक, नासिक में ही है, तो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा मेरा, नासिक। ठीक है, नासिक That is महाराष्ट्र। ठीक है, why? Because दोनों का location is same, place of supply here and place of recipient दोनों का location क्या है, same है। नागोरी भी नासिक में है और नुपुर भी नासिक में ही है, तो दोनों का programming solution कहां पर हुआ, नासिक में ही हुआ है, ये first condition हो गया। अगर कोई बोलेगा सर इसका nature क्या होगा, तो बेटा मैंने आपको बताया, nature की video में मैंने बताया था
महाराष्ट्र महाराष्ट्र इज द सेम स्टेट, क्या है अपने सेम स्टेट है, तो बेटा यहाँ पर कौन सा लगेगा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, कौन सा स्टेट लगेगा इंट्रा स्टेट, एंड वॉट द टैक्सेस विल बी अप्लाइड, वी आर गोइंग टू अप्लाइड सी जी एस टी एंड एस जी एस टी, तकलीफ नहीं पक्का। नाउ कम टू माई सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू राइट इन शॉर्ट लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाय, वॉट इज माई नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड वॉट टैक्सेस वी आर गोइंग टू लेविड, ठीक है, किस तरीके के टैक्सेस हम लोग लेविड करने वाले हैं। What would your answer be in the above case if Mr. Nagori entered into agreement at Jodhpur? यानी अब नागोरी का लोकेशन बता रहा है जोधपुर, अंडरस्टूड, जोधपुर बेटा आता है राजस्थान में, कहाँ आता है राजस्थान, into the agreement जोधपुर for receiving programming solution at जोधपुर, solution भी किधर दे रहा है जोधपुर में, यानी recipient का लोकेशन भी क्या है बेटा जोधपुर ही है, very good। तो राजस्थान राजस्थान सेम स्टेट, सेम स्टेट, तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, क्या बोलेंगे इंट्रा स्टेट, एंड व्हाट टैक्सेस वी आर गोइंग टू लेविड एस जी एस टी एंड सी जी एस टी, कंफ्यूजन भैया आपको सिर्फ यही चीज देखना है कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या है, लोकेशन ऑफ द बायर क्या है, दोनों के लोकेशन को देखना है, दोनों के लोकेशन के हिसाब से हमको नेचर डिसाइड होगा, नेचर के हिसाब से हमको टैक्सेस लेविड करना है, ठीक है, इतना सा सोल्यूशन है बस, ठीक है। अब थर्ड क्या बोला है, व्हाट वुड योर आंसर बी इन केस ऑफ द एग्रीमेंट थ्रू एंटर इनटू ए नासिक, नासिक में एग्रीमेंट हुआ है बट सर्विसेज रिसीव्ड इन सूरत, तो इन दैट केस नासिक नासिक दैट इज कम्स अंडर महाराष्ट्र, यानी भैया नागौरी तो नासिक में ही है बट सर्विसेज हम लोग क्या कहां दे रहे सूरत में, कहां दे रहे सूरत, और सूरत कहां आता है बेटा गुजरात में आता है, तो अब अपना नेचर क्या हो गया, महाराष्ट्र और गुजरात सेम स्टेट है ना बेटा, हाँ नहीं सेम स्टेट नहीं है, तो बेटा इसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, कौन सा ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तो हम लोग कौन सा टैक्स लेवी करने वाले बेटा यहाँ पर आई जी एस टी, वेरी वेरी गुड, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझा होगा, ठीक है। नाउ प्रोसीड फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, क्या कहता है, मिस्टर मयूर ऑफ पुणे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर सूरज ऑफ अहमदाबाद फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पे ऑर्डर कौन रिसीव कर रहा है मयूर, मिस्टर मयूर ऑर्डर रिसीव कर रहा है, अच्छा जो ऑर्डर लेता है उसको हम लोग कहते हैं सप्लायर, ठीक है, और जो जिसने ऑर्डर दिया वो कौन है सूरज है, ठीक है, ये हो गया अपना रेसिपिएंट, कौन हो गया बेटा रेसिपिएंट हो गया, क्योंकि ये ऑर्डर रिसीव करने वाला, ठीक है, डिलीवर होने वाला इधर, तो मिस्टर मयूर जो है वो रहते हैं भाई साहब पुणे में, कहाँ रहते बेटा पुणे, और पुणे कहाँ आता है बेटा महाराष्ट्र में आता है, एंड मिस्टर सूरज इज स्टेज इन अहमदाबाद, और दया भाभी की वजह से हम सबको पता है अहमदाबाद कहाँ आता है बेटा गुजरात, वेरी गुड। The price quoted by Mr. Mayur inclusive of freight, Mr. Mayur arranges the transportation of the goods to Ahmedabad, the delivery of the goods, beta simple cheese likha hua, the delivery of the goods is taken by Mr. Suraj at Ahmedabad, determine the place of supply, yani bhaiya yahan pe goods kya hua hai deliver hua hai, yahan par goods kya hua hai deliver hua hai, to aisa bol sakte hai kya, what is my location of supplier Pune महाराष्ट्र, यहां पर प्लेस ऑफ यानी डिलीवरी हुई है, ठीक है, तो डिलीवरी कहां हुई है अहमदाबाद में, तो वेयर इज माय प्लेस ऑफ सप्लाई अहमदाबाद, बेटा आपको ये चीज समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो बेटा आई बटन पर मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई की वीडियो दी हुई है, उसको आप गो थ्रू जरूर करें, अदरवाइज आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आया है डिलीवरी ऑफ द गुड्स, यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस वी आर नोन कि हमको कहाँ पर डिलीवर करना था, ये मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। अब व्हाट काइंड ऑफ अ नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, महाराष्ट्र एंड गुजरात सेम सेम स्टेट ना, हाँ नहीं सेम नहीं, हाँ ना 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 बोलो, अलग अलग स्टेट है, वेरी गुड, देखिए कौन सा स्टेट हुआ बेटा इंट्रा स्टेट है ना, इंट्रा के इंटर
बोलो बोलो इंटर वेरी गुड बहुत है तुम्हारे का तार और मेरे तार जुड़ रहे हैं बेटा वेरी गुड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन तो व्हाट टैक्सेस वी आर गोइंग टू लेविड IGST अंडरस्टूड वेरी गुड नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री क्या कहता है मिसेस मिस्टर निर्मल ऑफ नासिक प्लेसेस ऑर्डर ऑन मिस्टर विजय ऑफ मुंबई फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टेन गुड्स अब मिस्टर निर्मल है ठीक है ये निर्मल भाई साहब रहते हैं नासिक में कहां रहते बेटा नासिक में प्लेसेस ऑर्डर ऑन मिस्टर विजय ऑफ मुंबई इन्होंने भैया ऑर्डर दिया है मिस्टर विजय को ठीक है और ये मिस्टर विजय रहते हैं मुंबई में अब सबसे पहला बेटा एक चीज ध्यान रखो मुंबई आता कहाँ है मुंबई इज इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड वेर इज नासिक नासिक भी भैया आता महाराष्ट्र में सिंपल सर इतना सिंपल लॉजिक तो मेरे को भी मालूम वेरी गुड मिस्टर निर्मल डायरेक्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट कौन सा सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करने हो जाएगा टेंशन नहीं लेने का ठीक है मिस्टर निर्मल डायरेक्ट मिस्टर विजय टू डिलीवर द गुड्स टू मिस्टर अतुल इन इंदौर वेरी गुड एंड मिस्टर विजय अरेंजेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स टू मिस्टर अतुल इन इंदौर यानी मिस्टर निर्मल ने विजय को डायरेक्शन दिया कि विजय भैया आप गुड्स क्या करना मिस्टर अतुल को ट्रांसफर करना डिलीवर करना ये मिस्टर अतुल कहां होता है बेटा इंदौर और इंदौर कम्स अंडर MP ठीक है अब मुझे बताओ वेयर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी द गुड्स वर सप्लाइड बाय सप्लायर गुड्स तो सप्लाई किया सप्लायर ने टू द रेसिपिएंट रेसिपिएंट इज अतुल ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन दैट इज निर्मल तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ निर्मल समझे इस ट्रांजेक्शन को हम बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन भी कहते हैं मतलब बिल किसी और को भेजो शिपिंग किसी और को करो लेकिन मुद्दे की बात क्या है सर हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई हमको लिखना है लोकेशन ऑफ सप्लायर हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर है मुंबई मुंबई कम्स अंडर महाराष्ट्र हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है नासिक वाई प्लेस ऑफ सप्लाई नासिक रहेगा क्योंकि हमने डिस्कस किया किसके डायरेक्शन पे हो रहा है साहब निर्मल के बोलने को हो रहा है तो निर्मल भाई साहब कहाँ पर आते हैं नासिक में आते हैं कहाँ महाराष्ट्र तो बेटा व्हाट इज द नेचर नेचर इज इंट्रा स्टेट ठीक है एंड व्हाट टैक्सेस वी आर गोइंग टू लेविड वी आर गोइंग टू लेविड CGST एंड SGST समझी गयो समझा वेरी गुड नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर फोर में जैसा कि आप देख सकते हो कि आपको कुछ कॉलम्स बना के दिए हैं ठीक है जैसे कॉलम्स मैंने एज इट इज कॉपी किया है यहाँ पर ठीक है पहला कॉलम है आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर सेकेंड कॉलम है आपका लोकेशन ऑफ बायर थर्ड कॉलम है रेसिपिएंट ऑफ लोकेशन एंड फोर्थ कॉलम आपका प्लेस ऑफ डिलीवरी ये सेम कॉलम आपका एज इट इज दिया अब आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत क्या है ठीक है मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर 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 किसी भी तरीके से लोकेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन दिया है इसका मतलब समझने का सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी क्या था गुड्स मेरे साथ बोलो क्या वेरी गुड मेरे को पता है बोल रहा हूँ क्या इफ द गुड्स सप्लाइड बाय द सप्लायर ऑन द ठीक है ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन ठीक है गुड्स सप्लाइड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन That case, आपका place of supply क्या होगा Location of a third person. Very, very good. ठीक है तो इस हिसाब से देखोगे तो चार कॉलम आपको रेडी करके दिया है आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना प्लेस ऑफ सप्लाई फिर नेचर एंड देन टैक्स तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमारा लोकेशन ऑफ बायर दैट इज जो थर्ड पर्सन दिया वही लोकेशन हमारे लिए क्या माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई तो यहाँ पर मेरा लोकेशन क्या माना जाएगा इंदौर यानी मिस्टर आलोक का लोकेशन सेकेंड वाले केसेस में क्या पढ़ा जाएगा सूरत थर्ड वाले केसेस में मुंबई एंड फोर्थ वाले केसेस में सूरत वेरी गुड समझ में आया
कैसे आ मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन। अब मुझे पता करना नेचर कैसा है, तो नेचर कैसे पता करते हैं, याद है लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लायर। तो व्हाट इज माय लोकेशन ऑफ सप्लायर, इंदौर। भैया ये भी इंदौर, ये भी इंदौर, कौन सा टैक्स, इंट्रास्टेट, कौन सा टैक्स, सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी, अंडरस्टूड। इंदौर एंड सूरत, इंदौर भैया आता है एमपी में, सूरत आता है भैया गुजरात में, दो डिफरेंट स्टेट, तो इसको बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। यहाँ पर क्या लगेगा, आईजीएसटी, क्या लगेगा, आईजीएसटी, ठीक है। उसके बाद इंदौर एंड मुंबई, मुंबई आता है महाराष्ट्र में, इंदौर आता है एमपी में, दो डिफरेंट स्टेट्स, क्या लगेगा बेटा, वेरी वेरी गुड। देखा कितना अच्छे से मैंने सिखाया आपको, खाली क्या देना, थोड़ा सा टेंशन देखना, पूरा वीडियो देखना है, 100% गारंटी देता हूँ कि आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बेटा, इंदौर, यहाँ पर सूरत, सूरत कहाँ आता है, गुजरात, इंदौर कहाँ आता है, एमपी, तो दोनों क्या हो गया, इंटर स्टेट, वेरी वेरी गुड। कौन सा टैक्स, आईजीएसटी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मैं सीखा नहीं है, होता होगा भाई, कमेंट सेक्शन में डालो, और अच्छे से दिखाने की एफर्ट डालूंगा, ठीक है। किसी भी तरीके की डिफिकल्टी रहेगी तो भाई डालने का जरूर, कमेंट में डालने का, पूरा पैसा वसूल करने का, डेटा पैक पूरा इस्तेमाल करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जाते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी रहेगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मिस्टर राजेश ऑफ मुंबई परचेज अ राडो वॉच फ्रॉम द शॉप इन इंदौर। मतलब भैया राजेश रहते हैं तो मुंबई में है, लेकिन दुकान गए कहाँ पर, आपको इंदौर में गए, मध्य प्रदेश में। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, देखो भैया राजेश भैया कहाँ रहते हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको किससे लेना देना है, खरीदने किधर गए, इंदौर। ऑब्वियसली उन्होंने क्या बोला, दुकान से खरीदा, तो दुकान किधर है, इंदौर। इसका मतलब राजेश भैया भी किधर रहेंगे, इंदौर में रहेंगे। सप्लायर किधर है, इंदौर में है। बायर किधर है, इंदौर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हुआ, इंदौर। सर आपने डिस्कस किया क्या, यस मैंने डिस्कस किया, कहाँ पर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। सी मतलब अंदर ही अंदर, बाय लोकेशन है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट डज नॉट चेंज। तो लिखना कैसे है, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो जाएगा आपका, इंदौर एमपी, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपकी क्या हो जाएगी, इंदौर एमपी, और आपका नेचर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, इंट्रास्टेट, ठीक है। और यहाँ पर आपको टैक्स कौन सा लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बहुत सारे लोग मुझे बोले सर यहाँ तो राजेश मुंबई दिया है, बेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। यहाँ पर राजेश का जो लोकेशन है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ताकि आप गलती से राजेश का नाम वहाँ पर लिखो। यहाँ पर क्लियरली बोला कि उसने दुकान से खरीदा है, तो दुकान पर आपको खुद जाना पड़ेगा, वेरी गुड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला है, मिस्टर प्रशांत ऑफ अकोला, मिस्टर प्रशांत ऑफ अकोला क्या कहता है, हैज अ गोडाउन इन इंदौर। प्रशांत का गोडाउन कहाँ पर है, इंदौर में है। प्रशांत भैया, प्रशांत, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, प्रशांत का जो है वो अकोला में, अकोला ये भैया रहते हैं अकोला में, लेकिन इनका एक गोडाउन है, गोडाउन, अरे गोडाउन कहाँ पर है, इंदौर में है इनका गोडाउन, ठीक है। और इंदौर कहाँ आता है, एमपी में आ रहा है, वेरी गुड सर। इसका गोडाउन तो हो गया मध्य प्रदेश में, कोई तकलीफ नहीं अब तक तो नहीं। मिस्टर अमर ऑफ मुंबई अप्रोचेस मिस्टर प्रशांत परचेज ऑफ गुड्स लाइंग एट गोडाउन इन इंदौर एंड टेक्स डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम इंदौर गोडाउन। यानी यहाँ पर अमर भाई साहब आते हैं, मिस्टर अमर ने कहा, अमर रहते कहाँ वैसे तो मुंबई में रहते हैं, इन्होंने प्रशांत को अप्रोच किया, इन्होंने प्रशांत को अप्रोच किया, क्या अप्रोच किया कि हम तो आपसे माल खरीदेंगे, परचेज ऑफ गुड्स इन एट गोडाउन इन इंदौर एंड टेक्स डिलीवरी ऑफ द गोडाउन फ्रॉम द इंदौर गोडाउन। यानी अमर भाई साहब ने प्रशांत को कहा कि भाई साहब हम आपसे माल खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम आपके जो डिलीवरी है हम कहाँ से ले लेंगे, इंदौर से आपकी डिलीवरी ले लेंगे, ठीक है। एक लॉजिक बताता हूँ, हो सकता है ये लॉजिक आपके लिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए ईजी हो। मानो मिस्टर अमर ने प्रशांत को कॉल किया कि प्रशांत भाई अब मेरे को माल खरीदना है, ये माल की डिलीवरी आपको इंदौर में देनी है, ठीक है। तो प्रशांत भाई ने बोला हो जाएगा, ठीक है,
इंदौर में आपको डिलीवरी हो जाएगा। तो अमर भाई ने बोला, अरे भाई आपका गोडाउन इंदौर में भी है क्या? अरे अच्छा, मुझे तो पता नहीं था। एक काम करता हूँ, मेरे टेम्पो को भेजता हूँ आपके गोडाउन में, आप वहाँ पे लोड करवा देना, दैट सिंपल। मेरा टाइम भी बचेगा, अभी मैं आपको ऑर्डर दूंगा, फिर आप उधर ऑर्डर फॉरवर्ड करके डिलीवर कराओगे, तो उससे अच्छा मेरा टेम्पो तो उधर ही है, तो मैं क्या करूँगा, तुरंत का तुरंत डिलीवरी ले लूँगा। तो यही लॉजिक है कि अमर ने क्या किया, डिलीवरी डायरेक्टली इंदौर के गोडाउन से ले लिया। अब क्या बोल रहा है, मिस्टर इशू एंड इन्वॉइस ऑफ द सेलर एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन मध्य प्रदेश, यानी इन्वॉइस भी कहाँ पर इशू हुआ, इंदौर में ही हुआ है। नाउ व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, नाउ यू आर गोइंग टू टेल व्हेयर इज द लोकेशन, अकोला या इंदौर, वेरी गुड, इंदौर, क्योंकि इन्वॉइस भी कहाँ इशू हुआ है, इंदौर। आपने तो डिलीवरी की नहीं, मतलब सामने वाला बंदा तो रेसिपिएंट खुद आके डिलीवरी, याद है मैंने केस डिस्कस किया था आई बटन पर, वीडियो पे मिलेगा, बबीता एंड जेठालाल का केस, वहाँ पर मैंने क्या बताया था, डिलीवरी वाले ने खुद गया है, तो इसका मतलब इंदौर ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रांजेक्शन इंट्रास्टेट, वेरी गुड, और इंट्रास्टेट बोला है कि यहाँ पर कौन सा टैक्स लगेगा बेटा, CGST एंड SGST, वेरी 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 गुड, ठीक है। तो तकलीफ डाउट आता रहेगा आप बिंदास आप पूछ सकते हो, ठीक है। नंबर 7 पे आते हैं, मिस्टर किरण लोकेटेड इन पुणे प्लेसेस एन ऑर्डर ऑफ मिस्टर रवि ऑफ पुणे, ठीक है। मिस्टर किरण कहाँ रहते हैं, मिस्टर किरण जो है वो रहते हैं पुणे में, और पुणे बेटा आता कहाँ है, महाराष्ट्र में। उन्होंने ऑर्डर दिया, किसको ऑर्डर दिया, मिस्टर रवि को ऑर्डर दिया, मिस्टर रवि, रवि 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 रवि, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये मिस्टर रवि कहाँ रहते हैं, पुणे में रहते, ये भी महाराष्ट्र में ही रहते हैं। फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीनरी एट हिज फैक्ट्री एट मद्रास, यानी किरण ने रवि को ऑर्डर दिया कि भाई साहब हमारे मद्रास के फैक्ट्री में आपको क्या करना है, मशीन को इंस्टॉल करना है। मिस्टर रवि प्रोक्यूर्ड ऑल द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीनरी फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट एजेंसी इंस्टॉलेशन फॉर द सेम इन किरण फैक्ट्री इन मद्रास, यानी रवि ने सारे अरेंजमेंट की और इसका इंस्टॉलेशन उसने करवाया। कहाँ करवाया, इंस्टॉलेशन, यानी इंस्टॉलेशन प्लेस हमारा कहाँ है, मद्रास, अंडरस्टूड, यानी जहाँ आपका इंस्टॉलेशन होगा वही आपका क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। सर ये कहाँ पढ़ा था आपने, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में पढ़ा था, याद आया, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो लिखना कैसे है, व्हेयर इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर, पुणे, पुणे का आता है महाराष्ट्र में, प्लेस ऑफ सप्लाई मद्रास, मद्रास का आया चेन्नई में आया, ठीक है। कौन सा नेचर है बेटा, ये इंटर या इंट्रा, इंटर स्टेट, ठीक है। तो कौन सा टैक्स हम लोग ये भी करने वाले हैं यहाँ पर, IGST, वेरी वेरी गुड, ठीक है। डिफिकल्टी किसी तरीके का नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसमें क्या बोला है, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स इन द फॉलोइंग केसेस एंड ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द सप्लाई एंड टाइप्स ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कौन सी टैक्स लाइबिलिटी लगी थी आपको। कॉलम 3 कॉलम दिख रहा है, ठीक है, ये 3 कॉलम आपको एज इट इज प्रिपेयर करने हैं। अब यहाँ पर आपको एक कॉलम पे ध्यान देना है, प्लेस ऑफ असेंबली, याद है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, क्या बताया था मैंने, अगर आपने प्लेस ऑफ असेंबली यानी आपका जो इंस्टॉलेशन का प्लेस होगा वही आपके लिए क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी आपको कोई भी एडिशनल कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, यू कैन एडजस्ट और लिख सकते हो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका वही होगा, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है भाई आपका। यहाँ पर क्लियर बोला कि प्लेस ऑफ असेंबली, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन इज विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब नेचर कैसे देखोगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई, मुंबई किधर आता है, महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। नाउ मुंबई महाराष्ट्र अहमदाबाद गुजरात में सेम स्टेट है ना, नहीं, तो कौन सा, इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट में क्या लगेगा, IGST, वेरी गुड, ठीक है। मुंबई जोधपुर, ठीक है, नहीं, इंदौर देखेंगे, इंदौर कहाँ आता है, MP, मुंबई MP सेम स्टेट, नहीं, तो कौन सा, इंटर स्टेट, क्या लगेगा बेटा, IGST, वेरी गुड। सेम मुंबई कैलकटा, तो क्या लगेगा, इंटर स्टेट, IGST। लास्ट मुंबई, मुंबई आपली छे, इंट्रा स्टेट,
ठीक है, क्या लगेगा? CGST प्लस SGST, अंडरस्टूड? डिफिकल्टी रहेगा, बिंदास पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि मिस्टर रवि ऑफ मद्रास एंटर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द रेलवे अथॉरिटी फॉर द सप्लाई ऑफ फूड टू पैसेंजर ऑन मद्रास राजस्थान रूट। यानी मिस्टर रवि जो है वो रेलवे अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट में आया, उसने बोला कि हम मद्रास, ठीक है, मद्रास से लेकर राजस्थान के रूट पर जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन में हम क्या करेंगे, खाना डिलीवर करेंगे। जर्नी कमेंस फ्रॉम मद्रास, जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है? मद्रास की तरफ से होती है और राजस्थान की तरफ जाएगी। अब क्या रहता है, गुड्स आर लोडेड, अंडरलाइन करना लोडेड, या देख लेना लोडेड ऑन बोर्ड इन द हिंदी। अब वहाँ पर लोकेशन आपका आएगा बेटा मुंबई, ठीक है। आपने लोड कहाँ पर किया हुआ है? मुंबई में किया हुआ है। आपने लोड कहाँ पर किया हुआ है? मुंबई में किया हुआ है। तो अगर किसी भी तरीके का लोडिंग अगर आपने मुंबई में किया हुआ है तो इसका मतलब वेर इज द, ठीक है, लोकेशन, यहाँ पर प्लेस ऑफ लोडिंग क्या है? प्लेस ऑफ लोडिंग, यानी आपको मैंने बताया था, असल आपने कौन से सेक्शन में बताया था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई में डिस्कस किया था कि अगर चलती हुई गाड़ी में या लोडिंग में या वेसल में या एयरक्राफ्ट में या बोर्डिंग के टाइम पर अगर आपने जहाँ से गुड्स को लोड किया होगा उस लोडिंग को आपकी क्या लगेगी? प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब ध्यान दो, प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने से पहले लोकेशन ऑफ सप्लाई, बेटा रवि का लोकेशन, अपना सप्लायर कौन है? रवि है। रवि कहाँ का रहने वाला है? रवि कहाँ का रहने वाला है, ठीक है, आपको पहले वो लोकेशन देखना पड़ेगा। रवि रहने वाला है मद्रास का, मद्रास का अंदर चेन्नई, वेरी गुड। प्लेस ऑफ सप्लाई आपने क्या डिस्कस किया? मुंबई, क्योंकि प्लेस ऑफ लोडिंग विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। कहाँ आता है? महाराष्ट्र। तो बेटा इसका नेचर क्या होगा? इंट्रा या इंटर? इंटर स्टेट। तो बेटा यहाँ पर टैक्स कौन सा लेवी होने वाला? IGST। कन्फ्यूजन नहीं, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी तरह की डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।